अगर आप चाहते हो कि आपकी स्किन पूरी तरीके से रिपेयर हो के क्लियर और सॉफ्ट दिखे तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सरगम नेचुरल ब्यूटी। आज की वीडियो में आप लोग के साथ एक प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ और मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि आप कौन सी नाइट क्रीम यूज करती हैं, प्लीज़ आप हमें बताइए। मैंने नाइट क्रीम की एक वीडियो बहुत टाइम पहले भी अपने चैनल पर डाल रखा था, मैंने उसकी प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाया हुआ था, लेकिन मुझे अभी भी कमेंट्स आ रहे हैं कि इसको किस तरीके से यूज किया जाता है और अगर आप इसे यूज करती हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदे मिले हुए हैं, तो आप इसके प्लस एंड माइनस पॉइंट को भी कवर अप करते हुए मैं आपको आज इस वीडियो में अच्छे से बताने वाली हूँ कि इसको यूज करने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट चेक करना चाहिए कि इस प्रोडक्ट में कौन सी इंग्रेडिएंट्स यूज किया गया है या आपकी स्किन के लिए सेफ है या नहीं। आपकी स्किन किस टाइप की है, आपकी स्किन ऑयली है, नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन है या ड्राई है, और कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं तो आप इस चीज़ को ज़रूर चेक किया करिए कि आपकी स्किन के लिए प्रोडक्ट सही है या नहीं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ हिमालय नाइट क्रीम के बारे में कि इस क्रीम को यूज़ करने से आपको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे और इस तरीके की ये पैकेजिंग में आती है। इसके आउटर जो पैकेजिंग होती है वो कार्डबोर्ड की पैकेजिंग आती है, इनर पैकेजिंग कुछ इस तरीके की होती है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करिए ताकि इस तरीके की और भी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आपको मिले और वीडियो को लाभ सबसे पहले आप उठा पाएं। तो सबसे पहले मैं इसकी क्वांटिटी और प्राइस के बारे में बता दे रही हूँ। इसकी जो क्वांटिटी है 50 ग्राम आपको इसकी क्वांटिटी मिल जाएगी, इसकी जो प्राइस है 260 इसकी प्राइस आपको मिल जाएगी। हिमालय नाइट क्रीम व्हाइट लिली प्लस टमेटो, तो आप समझ सकते हो कि व्हाइट लिली जो होता है हमारी स्किन पर कितना अच्छे से वर्क करता है। व्हाइट लिली की बहुत सारी प्रोडक्ट आती है, आपने देखा होगा नाइट क्रीम, डे क्रीम या आपको टोनर भी मिलेगा, मॉइस्चराइजर मिलेगा, जो हमारी स्किन को काफ़ी अच्छे से रिपेयर करता है, इसको सॉफ्ट और क्लियर बनाता है। तो व्हाइट लिली हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आप सबको पता है जो प्लस टमेटो इसमें दिया, टमेटो भी हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, वो भी दाग धब्बे को रिमूव करता है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी बात है कि इसमें कोई केमिकल नहीं है, अल्कोहल पैराबीन इसमें नहीं है, जो हमारी स्किन को बहुत ही अच्छे से ये रिपेयर करेगा स्किन। तो ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से वर्क करेगा, आपको कोई भी माइनस पॉइंट देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि इसमें मेंशन किया गया है कि ये ड्राई एंड कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए है, तो अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसे ले सकते हैं, नहीं तो आप इस प्रोडक्ट को स्किप करें, आपको इसे बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तो मैंने आप लोग को बता दिया कि किस स्किन टाइप वाले इसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि मेरी स्किन पर ये क्या क्या फायदे दिया है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को इस क्रीम को दिखा देती हूँ और मैं किस तरीके से यूज करती हूँ वो भी मैं आप लोग को बताऊंगी। तो आप देख सकते हो ये व्हाइट कलर में इसकी जो क्रीम है व्हाइट कलर में आती है, इसका जो थिकनेस है आपको बिल्कुल लाइट वे में पता चलेगा। बहुत ही कम क्वांटिटी में आपको इस क्रीम को लेना है। इसको आपको यूज किस तरीके से करना है, नाइट में ही आपको यूज करना है। आपको अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है, आपके फेस पे कुछ भी लगा होना नहीं चाहिए। बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी में आपको इस क्रीम को लेना है और बिल्कुल सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए आपकी स्किन में बिल्कुल अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा। आपको उसे पूरी नाइट के लिए छोड़ देना है। इस तरीके से आपको डेली वे में इसे यूज करना है। मैं इसे डेली वे में यूज नहीं करती हूँ, मैंने घर पर ही कुछ नाइट क्रीम बनाया हुआ है जो मैं अपने फेस पे उसे यूज करती हूँ। अगर आप इसे डेली वे में यूज करते हैं तो आपको 2 से 3 मंथ आराम से निकल जाएगा। बहुत ही लाइटली क्रीम है, बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी में आपको लेना है और अपने स्किन पर बहुत ही अच्छे से मसाज करते हुए इसे छोड़ देना है। अगर मैं अपनी बात करूं कि मुझे ये क्या क्या रिस्पांस दिए हैं इसके क्रीम के, क्या क्या फ़ायदे मुझे मिले हुए हैं, तो मेरी स्किन पर बहुत ही अच्छे से वर्क किया है, स्किन को काफ़ी ज़्यादा लाइट कर देता है। और सबसे पहली बात है कि आपको इसमें जो व्हाइट लिली है वो हमारी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। व्हाइट लिली में एंटीऑक्सीडेंट की भरपूर मात्रा पाई जाती है जो हमारी स्किन को डेली डैमेज से प्रोटेक्ट करता है, स्किन को पूरी तरीके से क्लियर और सॉफ्ट बनाता है। आप समझ सकते हो ये हमारी स्किन के लिए कितना अच्छा होता है, हमारी स्किन को पूरी तरीके से क्लियर करता है, जो भी हमारी स्किन में दाग धब्बे होते हैं उसको रिमूव करता है। स्किन में अगर बहुत ही ज़्यादा झुर्रिये की प्रॉब्लम हो गई है तो ये बहुत ही अच्छे से रिमूव करता है। लेकिन अगर आप इसे यूज करते हैं तो आप 1 से 2 मंथ आपको इसे यूज करना पड़ेगा रेगुलर, तभी आपको इसका अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। अगर आप इसे 10 से 15 दिन यूज करने के बाद आप इसका रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आपको इसका कोई भी रिजल्ट नहीं देने वाला है, आपकी स्किन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं देने वाला है, अगर आपकी स्किन ड्राई है या आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है। तो अगर आप अदर स्किन वाले हैं तो आप इसे यूज ना करें, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि ये हमारी स्किन पर अच्छे से वर्क नहीं किया है। तो मैं आप लोग को पहले भी बोल चुकी हूँ कि आप पहले उस प्रोडक्ट को चेक करिए, आप अपनी स्किन को चेक करिए कि आपकी स्किन किस टाइप की है, तभी आप कोई प्रोडक्ट को लें। मैं आपको क्रीम का जो टेक्सचर है वो दिखा देती हूँ। बहुत ही लाइट वेट ये क्रीम है, बहुत ही कम क्वांटिटी में आपको लेना है। इस तरीके से आप देख सकते हो, बहुत ही कम क्वांटिटी में, मैंने तो अभी भी मैंने ज़्यादा ले लिया। इसको बिल्कुल लाइट वेट क्रीम है, आप देख सकते हो।
इससे आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर और सॉफ्ट हो जाएगी। और अगर आपकी स्किन में झाइयाँ या झुर्रियों की प्रॉब्लम है तो आप इस क्रीम को डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। आपकी स्किन को ये टाइट करेगा, ब्राइट बनाएगा स्किन को। इनका जो कलर है उसे थोड़ा सा ये लाइट करेगा, आपकी स्किन में एक नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करवाएगा। तो इस तरीके की क्रीम आप ले सकते हैं, ये बहुत ही बेस्ट नाइट क्रीम है, आप इसे डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। तो अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आपको इस पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।